और इसे लेकर बड़ी जानकारी, आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की कोर्ट में पेशी। कल रात को एसओजी ने रामू राम रायका को गिरफ्तार किया था और आज कोर्ट में पेशी। शोभा और देवेश सहित पांच ट्रेनी एसआई 7 सितंबर तक एसओजी के रिमांड पर हैं और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की आज कोर्ट में पेशी। कोर्ट पहुंच गए हैं और पेशी होनी है। कल रात को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। बड़ी जानकारी, आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की कोर्ट में पेशी होगी। पहुंच गए हैं कोर्ट लेकर। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, तो कल रात को एसओजी ने रामू राम रायका को गिरफ्तार किया था और रामू राम रायका के बेटे देवेश और बेटी शोभा को भी एसओजी ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी, आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की कोर्ट में पेशी। कल रात को एसओजी ने रामू राम रायका को गिरफ्तार किया था और जैसे ही एसओजी ने गिरफ्तारी की उसके बाद वीडियो भी वायरल हो रहा है उनका एक। हालांकि सच बेधड़क पुष्टि नहीं करता है लेकिन ये बड़ा मामला और कोर्ट में पेशी। पेपर लीक का आरोपी है रामू राम रायका। एसओजी ने कल रात को गिरफ्तार किया था और बेटा बेटी को भी एसओजी पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। पेपर लीक केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की पेशी और एसआई भर्ती पेपर लीक मामले का बड़ा आरोपी रामू राम रायका। बेटा बेटी को एसओजी पहले ही अरेस्ट भी कर चुकी है। और आज कोर्ट में पेशी। कल रात को गिरफ्तार किया था एसओजी ने और इसी के साथ आपको बता दें कि एसओजी ने शनिवार को रामू राम रायका के बेटे देवेश और बेटी शोभा को भी गिरफ्तार किया था। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक का ये मामला और बड़ा आरोपी रामू राम रायका जिसकी कोर्ट में पेशी आज। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की कोर्ट में पेशी। कल रात को एसओजी ने रामू राम रायका को गिरफ्तार किया था। और एसओजी ने शनिवार को रामू राम रायका के बेटे देवेश और बेटी शोभा को भी गिरफ्तार किया था। शोभा और देवेश सहित पांच ट्रेनी एसआई 7 सितंबर तक एसओजी के रिमांड पर हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। कुणाल, फिलहाल क्या ताजा अपडेट वहां से, आज कोर्ट में पेशी है? देखिए, अभी ये आप पूरा मामला था उसमें एसओजी के द्वारा रामू राम रायका के सदस्य थे उनको जो है हिरासत में लिया गया था, उनके पहले पूछताछ की थी, उसके बाद उनको जो है गिरफ्तार किया, उसके बाद आज उनको जो है कोर्ट में यहाँ पर पेश किया जा रहा है। पुलिस में उनको जो है पेश हो रही है, अब क्या कुछ जो है निर्णय आता है ये देखने वाली बात होगी। उससे पहले आप बता दें कि जो आरपीएससी के सदस्य हैं सबसे बड़ी बात यह है एसओजी के द्वारा जो कार्यवाही की गई है सुपर लीग प्रकरण में, ये एक बड़ी मछली कह सकते हैं जो पर कार्यवाही की है कि आरपीएससी पर सवाल से पहले बहुत थे। इससे पहले आप देख सकते हैं कि बाबूलाल कटारा को इस तरह से गिरफ्तार किया, उसके बाद अब जो है रामू राम रायका, तो कहीं ना कहीं आरपीएससी के साथ है एक बड़ा सवाल है। अब क्योंकि इसमें देखने वाली बात ये है कि किस तरह से अब जो है किसी अब देख के
तो देखिए पद पर रहते हुए क्योंकि कुणाल बेटा बेटी को पहले ही पेपर दे दिया था एसओजी का, ये बड़ा खुलासा हुआ है। और फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्योंकि शनिवार को बेटा बेटी सहित जो और ट्रेनी एसआई थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई। आपको बता दें शनिवार को जब एसटीजी ने 5 सिविल सब इंस्पेक्टरों को हिरासत में लिया था तो उसमें 2 बड़े नाम छुपाने वाले थे। शोभा नाम था, शोभा नाम था और दूसरा नाम था तेज, जो की दोनों जो है आज के पूर्व सदस्य हैं जो राम नाम भाई का उनके जो है बेटा बेटी हैं। और क्योंकि जब अगर हम बात करूं तो राम नाम भाई का कार्यकाल की तो जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक का इनका पूरा कार्यकाल रहा और ये भर्ती 2021 में आयोजित की गई थी। तो जो परीक्षा हुई थी उस दौरान जो है राम नाम भाई का जो है खुद जो है आरपीएससी के सदस्य थे, तो इस बीच उनकी जो भूमिका है उसको लेकर इनका यहाँ पर जांच किया जा रहा है। जांच करने के बाद जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर जो है आज कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एक एक सुनवाई में क्या मतलब निकल कर सामने आता है, क्योंकि आपने देखिए कि 2000 जो ये भर्ती है इसमें अगर हम बात करें तो अब तक जो है 67 लोगों को जो है अब तक गिरफ्तार किया गया है। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 42 से ज्यादा जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है उनको जो है अब तक पूरे मामले में जो है हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा और लोग हैं जो सुपर टॉल गवर्नमेंट यूनिट है उनको भी जो है आपके जो है एसएससी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो कार्यवाही नंबर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आप देखो कि जिस तरह से बात निकली की बड़ी मछली बड़ी मछली, तो एक तो एसएससी के प्रति जो विश्वास वो कहीं ना कहीं। चलिए कुणाल, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल रात को एसओजी ने गिरफ्तार किया था रामू राम रायखा को और आज कोर्ट में पेशी। तो इससे पहले आपको बता दें कि पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायखा को हिरासत में लिया और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कल रात को एसओजी ने रामू राम रायखा को गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में पेशी, गिरफ्तारी हो गई है और एसओजी लगातार पेपर लीक मामले में जो दोषी हैं उन पर शिकंजा कस रही है और ये तस्वीरें जब कोर्ट में पेश किया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। बड़ी जानकारी, एसओजी ने मामले में भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने वाली आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायखा को गिरफ्तार किया और अब कोर्ट में पेशी हो रही है। शनिवार को एसओजी ने रायखा के पुत्र देवेश रायखा और पुत्री शोभा रायखा समेत 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में लिया था और उनसे जब पूछताछ हुई तो उसमें रामू राम रायखा का नाम सामने आया, जिसके बाद एसओजी ने रामू राम रायखा की गिरफ्तारी की और पेपर लीक मामले में एसओजी अब तक 63 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है रामू राम रायखा की गिरफ्तारी। रामू राम रायखा आपको बता दें जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक आरपीएससी सदस्य थे और पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में उनकी नियुक्ति आरपीएससी सदस्य के रूप में की गई थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में रायखा की बेटी शोभा को 5वीं और बेटे देवेश को 40वीं रैंक मिली थी और बढ़ती परिणाम के बाद से ही रायखा पर कई लोगों ने धांधली करने का आरोप लगाया था और जब शनिवार को उनके बेटा बेटी और जो ट्रेनी एसआई हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ हुई कड़ी, उसके बाद रामू राम रायखा का नाम निकल कर सामने आया, फिर उनसे पूछताछ हुई और गिरफ्तारी और आज कोर्ट में पेशी। तो पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी यह कार्रवाई है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायखा ने पद पर रहते हुए बेटा बेटी को परीक्षा से पहले ही पेपर दे दिया था और अब एसओजी का बड़ा खुलासा
अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, आगे क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि देखिए अब तक का सबसे बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है, क्योंकि जब आरपीएससी जो संस्था ये परीक्षा आयोजित करवाती है और उसी का कोई सदस्य पूरे इस पूरे परीक्षा का जो पैटर्न है उस पर पानी फेर देता है। तो आपको बता दें कि कल रात को एसओजी ने गिरफ्तारी की और अब आज कोर्ट में पेशी और सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जयपुर से। और रामू राम रायका को पेपर कहां से मिला एसओजी, इसकी भी जांच पड़ताल लगातार कर रही है। और रविवार को गिरफ्तारी हुई और आज कोर्ट में पेशी, एसओजी लगातार मामले में एक्शन मोड में है। तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके 7 सितंबर तक रिमांड पर भेजा गया और एसआई भर्ती परीक्षा में एसओजी ने जो दूसरा सदस्य जिसका इन्वॉल्वमेंट रहा है बड़ा आरोपी, उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। साथ ही 5 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया है। कहां से पेपर मिला, कैसे पेपर मिला, इसकी जांच पड़ताल लगातार एसओजी की ओर से जारी है। तो एसओजी की जांच में बड़ा खुलासा भी हुआ है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका का बेटा देवेश 2 बार आरएस, आईएएस और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दे चुका है और सभी में फेल। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अचानक से नंबर कैसे बढ़ गए, बड़ा सवाल। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए लगातार जांच पड़ताल की जो प्रक्रिया है वो चल रही है एसओजी की ओर से, और जांच में खुलासा ये भी हुआ कि जब देवेश जो रामू राम रायका का बेटा है कई सारी परीक्षाएं दे चुका है जिनमें आईएएस आरएएस की परीक्षाएं भी शामिल हैं और सभी परीक्षाओं में फेल, लेकिन आखिर बड़ा सवाल कि कैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पास हो गया। के सामने वकीलों को थप्पड़, प्रयास प्रयास कोर्ट के सामने थप्पड़ मारे ना, गरीबों के बच्चे मेहनत करते हैं 5 साल से पेपर लीक करके, इसके खुद का बेटा एसआई बना दिया जिसके कुछ नहीं आता, जिसको ये नहीं पता राजस्थान का सीएम कौन है, वो एक एसआई बन गया। उन्होंने ये पूछा कि भाई ये कौन है, वो थप्पड़ दिखा रहा है यहाँ एक एडवोकेट को, एडवोकेट को थप्पड़ दिखाएगा क्या? खुद अभियुक्त है रामू राय का, खुद अभियुक्त है इस चीज में। उन्होंने बात करी, वकील साहब ने बात करी, आपने ऐसा क्यों किया? तो वकील को ये बोल रहा है कि थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं यहाँ पे, क्यों मारेगा भाई? थप्पड़ वकील को खाने को देता है, क्यों मारेगा थप्पड़ी? और फिर ऊपर से सीना जोरी, मतलब उसकी बेटी का 28 नंबर आ रहे हैं, इतना आ रहे हैं, सारे सारे बेचारे गरीब बच्चे परेशान हो रहे हैं, नौकरी करके साला चोरी ऐसा कर रहा है, कुछ भी इनको, ये सारी सारी गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट इनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं ले रही है, इनको दे नहीं लीजिए प्रोटेक्शन, किस बात की प्रोटेक्शन दे रहे हो आप? प्रोटेक्शन उसको दो, कोई साधु प्रोटेक्शन जवाब दिया, मैं आपसे थप्पड़ देके इसका पूरा रिजल्ट दूंगा भाई। कार्रवाई हम ये चाह रहे हैं, जितने भी आए ये एसआई जो बने हैं इनको सस्पेंड
सस्पेंड कर दिया जाए, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास हो, मृत्यु दंड दीजिए इनको, आजीवन कारावास है, जब तक जिंदा तब तक जेल के अंदर सड़े। वकील कोर्ट में सुरक्षित नहीं, आरोप सिद्ध है, आरोप सिद्ध होंगे, आरोप सिद्ध है, और परिसर से एक वकील खड़ा नहीं होगा इसके साथ में। अब वकील को धमकी दे रहा है सर, हम सुरक्षा नहीं जा रही, कोर्ट रूम में सुरक्षित नहीं है। तो वकीलों का भी यहाँ रोष सामने आ रहा है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो भर्ती परीक्षाओं में ऐसे ही धांधली को लेकर लगातार हर तरफ रोष व्याप्त है और तमाम वकील जो यहां पर मौजूद, उनका भी यही कहना कि कड़ी सजा होनी चाहिए, युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़। कहा मैंने किस प्रकार की हरकत क्यों की आपने, मेरा जूनियर खड़ा साथ में, क्या आप कौन होते हैं और आप कौन होते हैं, और थप्पड़ का इशारा किया उसने, और सुना ये बोल रहा बताओ, अबे आप के लिए बोला बाहर निकाल दिखा दो क्या है इस बार का। मेरा नाम शिवराम पारी के एडवोकेट है, मेरे साथ मेरे जूनियर्स थे, मैंने इशारा देखा, आवाज आपने सुनी है, मैंने सुनी है चीज, मैं तो बोल रहा हूँ। एफ आई आर दर्ज होगी इसके खिलाफ भी, अभी एफ आई आर दर्ज होगी। तो ये बड़ी जद्दोजहद, और लगातार आपने सुना यहाँ एक वकील ने रामू राम रायका से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो अभी वकीलों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दी गई, और इसी को लेकर इन वकीलों में खासा रोष है। तो आज रामू राम रायका की कोर्ट में पेशी, और इसी दौरान एक एडवोकेट ने उनसे पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दी गई, और इसी को लेकर नाराजगी प्रकट करते हुए तमाम एडवोकेट्स। तो ऐसा है भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा पूरा मामला, और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की गिरफ्तारी हुई है, बड़ा आरोपी इस पूरे मामले में। एसओजी की जांच लगातार जारी है, आज कोर्ट में पेशी, और इसी के साथ आपको बता दें कि कहां से रामू राम रायका को पेपर मिला इसकी भी जांच हो रही है। तो ऐसा है भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एसओजी का ये बड़ा एक्शन, सबसे बड़ी कार्रवाई, आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की गिरफ्तारी। इस
इससे पहले एसओजी ने रायका के पुत्र देवेश रायका और पुत्री शोभा रायका को भी गिरफ्तार किया था और जब कड़ी पूछताछ हुई तो नाम निकलकर सामने आया रामू राम रायका का। तो अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी, अभी क्या घटनाक्रम हुआ, तस्वीरें हमने देखी, बड़ी जद्दोजहद सामने आई, वकीलों की ओर से नाराजगी भी जाहिर की गई। देखिए, आपको बता दें कि अभी जब रामू राम रायका को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उस दौरान जो है किसी वकील को जो है थप्पड़ का इशारा करने की बात यहां पर सामने आ रही है और यहां पर आप देख सकते हैं वकील जो है इस समय यहां पर मौजूद हैं और जो है अभी इनकी वार्तालाप चल रही है पुलिस से, क्योंकि जब ये घटनाक्रम के बारे में पता चला तो बाकी जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुँच गए और कहा जा रहा है कि जो आरोपी रामू राम रायका है उनके द्वारा यहाँ पर किसी वरिष्ठ वकील को जो है थप्पड़ का इशारा करने की बात जो है यहाँ पर कही जा रही है, जिसके बाद जो तमाम जो वकील हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। ये जो अंदर है रामू राम रायका को कोर्ट में पेश करने के लिए आज जो एसओजी यहाँ पर लेकर आई थी ऐसे ही भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण में, उसके बाद यहाँ पर जो वकील हैं उनमें खासा आक्रोश है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से इशारा यहाँ पर किया गया तो उसको लेकर जो है वकील समुदाय में खासा जो आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट रूम के बाहर बड़ी संख्या में जो वकील हैं वो यहाँ पर मौजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम एक बार बात भी करना चाहेंगे कुछ सर, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ अभी आप भाई? इसमें घटनाक्रम में कुछ नहीं हुआ, वकील साहब नॉर्मली बात कर रहे थे उनसे, तो वकील साहब को उन्होंने हाथ का इशारा करते हुए कहा कि ज्यादा मत बोल थप्पड़ मारूंगा। तो भाई एक बात बताइए आप मुझे, ये थप्पड़ क्यों मारेंगे? वकील साहब ने कोई गलत थोड़ी प्रश्न पूछा, उन्होंने ये पूछा भाई आपको ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, तो उनको ये थप्पड़ का इशारा करके थप्पड़ मारने की धमकी दे रहे, वो भी ऑन कोर्ट के अंदर, क्यों हम FIR दर्ज कराएंगे इसके खिलाफ? भाई पहले तो उसने गलती करी, फिर ऊपर से सरेआम कोर्ट के अंदर वकीलों को और धमकियां दे रही है, तो ये ऐसी धमकियां क्यों दे रही है? भाई हम ये चाहते हैं इसके खिलाफ FIR हो और ये यहाँ पे बाहर आके सब वकीलों से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांगे। इसको माफी मांगना चाहिए वकीलों से, माफी मांगना पड़ेगा। उन्होंने यही तो पूछा था कि भाई आप ऐसा क्यों, बहुत अच्छा इंसान हो, एक आम व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता कि आप ऐसा चीज क्यों करते हो, इनसे हमारे बच्चे आहत होते हैं, वो उनका फ्यूचर खराब रहता है, वो इतना भी नहीं बोलने का क्या? एक कोर्ट परिसर में वकील को इस तरह धमकी दे रहे हो, ये अच्छी बात है क्या? और प्रोटेक्ट करिए पुलिस, जैसे बहुत अच्छा काम में आया हो ये इंसान, ये पुलिस इतना भी नहीं कह सकती कि मतलब कि रामू राम राय का जो है माफी मांग। भाई हमारा सिर्फ इतना सा, देखो हम लोग कोई भी इंसान नहीं करना चाहते, लेकिन सीधी सी बात है हाथ जोड़ के माफी मांग ले कि मैंने वकील साहब को गलत बोला और गलत बोला उसके लिए मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ। जब तक वो पैर पकड़ के हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगेगा तब तक वकील आज उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे, साफ बात है। आप यहां पर देख सकते हैं अभी हमने जो वकील हैं यहां पर मौजूद थे उनसे बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि रामू राम रायका की तरफ से जिस तरह से जो इशारा यहां पर किया गया वकीलों को, उसके बाद वकील समुदाय में खासा जो आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। और अब जो वकील समुदाय है उसकी साफ मांग है कि रामू राम रायका जो RPSC का पूर्व सदस्य है जिसको SOG आज कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर आई थी, जब तक वो हमसे माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक जो है हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और उसको बाहर नहीं जाने देंगे। देखिए कुणाल, कड़ी सुरक्षा में रामू राम रायका को यहाँ पर लाया गया और उसके बाद में ये जद्दोजहद कहीं ना कहीं नहीं यहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि अब वकीलों ने भी अपनी नाराजगी प्रकट करना शुरू कर दिया है पूरे मामले पर, और भी तमाम वहाँ पर लोग मौजूद है, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ उनकी नाराजगी है और क्या वाकई में वो जाने नहीं देंगे यहाँ से जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी, और प्रशासन का इस पर क्या कहना है। देखिए क्योंकि अभी जो है वार्तालाप चल रही है, अभी जो वकील समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और जो वकील समुदाय से जैसा कि अभी हमने बातचीत की उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी जो रामू राम रायका है वो हमसे माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगने के बाद ही हम यहाँ से उसे निकलने देंगे, और उससे पहले हम उसे नहीं निकलने देंगे। मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर इस समय मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का यहाँ पर प्रयास करूँगा कि यहाँ पर जो वकील समुदाय है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो एकत्र हो चुका है
है इकट्ठा हो चुका है। जैसे ही इस घटनाक्रम के बारे में पता चला उसके बाद जो है, क्योंकि रामूराम रायका को भी जो सुरक्षा आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के बीच में जो है लेकर आया जाया, और अभी जो अंदर जो रूम है वहाँ पर जो है उसे पेश किया गया है। पेश करने के दौरान जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ। घटनाक्रम होने के बाद आपने सारी चीज़ें देखी कि किस तरह से यहाँ पर वकीलों ने नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज करवाया। बिल्कुल कुणाल, देखिए कोर्ट परिसर में इस तरीके की जद्दोजहद और पूरा कोर्ट परिसर जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है तमाम वकीलों से। देखिए जिस तरीके से अगर पूरे मामले की भी बात करें तो जैसे ही पांच श्रेणी SI उनके बेटा बेटी समेत जब उनसे जांच पड़ताल हुई, उनसे कड़ी पूछताछ हुई तो नाम उन्होंने नहीं सामने लाया, लेकिन उसके बाद भी SOG की कड़ी पड़ताल और उसके बाद नाम सामने आया है। और फिलहाल लगातार उन पांच श्रेणी SIOs से लगातार और भी जांच पड़ताल हो रही होगी, पूछताछ हो रही होगी, उस बारे में क्या जानकारी? नहीं, आपको देखिए लगातार कि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो अब तक जो है 67 लोगों को इस पूरे मामले में जो है गिरफ्तार किया जा चुका है, और क्योंकि इसमें जो है जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पेपर सॉल्व गैंग है उसका भी, उसके लोग भी जो है इस पूरे मामले में शामिल है, क्योंकि कल जिस तरह से ये कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद जो है रामूराम रायका के बेटा बेटी शनिवार को हिरासत में पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया और कल जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद आज कल रात को हम बात करें तो रामूराम रायका को भी ये जैसे ही उनके बेटा बेटी गिरफ्तार हुए उसके बाद चर्चा चली गई थी कि अब जो है उनको भी गिरफ्तार कर चुकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके माध्यम से ही, क्योंकि पूर्व RPSC सदस्य रहे हैं, उनके माध्यम से ही जो पेपर मिला था और परीक्षा से पूर्व जो है पेपर यहाँ पर सॉल्व, उससे पहले जो है यहाँ पर आपको हम तस्वीरें यहाँ पर इस समय हम दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। जो वकील हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में इस समय मौजूद हैं और वो अंदर जाने की बात, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार यहाँ पर आज एक वकील के साथ देखने को मिला, जो रामूराम रायका है उसने जो इशारा किया कुछ है।